उसके बाद एक कल के दिन में हमने एक कमजोरी देखी थी, अब ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है, तो 350 के करीब करीब हम इसे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 340 के और टारगेट रहेंगे तकरीबन 370 से लेकर 375 के। और एक जो हमें अच्छा स्टॉक लग रहा है वो है वोकार फार्मा। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फार्मा स्पेस में थोड़ी स्टेबिलिटी है, थोड़े बेटर फॉर्मेशन है। कल हमने सन फार्मा में भी एक अच्छी एक्टिविटी दिखी थी, बट मुझे लग रहा है कि वोकार फार्मा में काफी अच्छा एक फॉर्मेशन है और उसमें काफी अच्छा एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन था। करेंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 670-675 के लेवल को छू सकता है और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 610 के करीब के। उज्जीवन, वॉकआउट, दो स्टॉक्स जो प्रेशर में थे ऑफ लेट, इनमें अब खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। श्रीकांत, आपका धन्यवाद। और बाजार की कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की स्ट्रेटजीज आपकी स्क्रीन पर। केआर चॉक्सी सिक्योरिटीज, इनका मानना है ONGC खरीदारी करने के मौके ढूंढने। वैसे कल के कमजोर बाजार पे चुनिंदा स्टॉक्स निफ्टी 50 में हरे निशान में थे, उनमें से एक ये था। कल नोयर कंपनी में डिटेल में चर्चा भी हुई मैनेजमेंट से, 165 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। स्टॉक में मनोज सचदेवा का मानना है टाटा एलेक्सआई खरीदारी करने के मौके ढूंढने, 1715 के स्टॉप के साथ 1810 के टारगेट्स के लिए। कल ये स्टॉक खासा एक्टिव था।